जैसा दोस्तों आप सब जानते हैं, अभी हाल ही में इंडिया और पाकिस्तान के बीच में वर्ल्ड कप मैच खेला गया, जिसके माध्यम से यहाँ पे जो प्राइस थे दोस्तों, वन ऑफ द हाईएस्ट प्राइस गया ड्रीम इलेवन में आज तक, यानी कि भाई 70 करोड़ के ऊपर प्राइजेस गए हैं। इतना प्राइस ड्रीम इलेवन में अभी तक दोस्तों क्रॉस ही नहीं हुआ था, मतलब इस तरह के छोटे मोटे मैचेस में। लेकिन दोस्तों इसी मैच में इतना मतलब धमाल की चीज हुई कि मैं आपको क्या बताऊं। जिस बंदे ने रैंक वन लाई उसने 2 करोड़ रुपए जीते। यहाँ पे दो जो रैंक टू थी दोस्तों वो लगभग दो बंदों के बीच डिवाइड हो गई, यानी कि दोनों लोग सेम रैंक टू पे आ गए, तो लगभग 70-70 लाख रुपए, जो कि दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए का प्राइस था, 70-70 लाख रुपए दोनों में डिवाइड कर दिया गया। अब सबसे जरूरी चीज यहाँ पे आप लोग दोस्तों पता ही क्या थी, इनकी टीम दोस्तों इतनी यूनिक और परफेक्ट थी कि पहले से ही डिसाइड हो चुका था कि ये टीम रैंक वन या रैंक टू वाली है। कैसे ये डिसाइड होता है, कैसे आखिर इस चीज को ऑब्जर्व किया जाता है कि वाकई में ये टीम रैंक वन या रैंक सेकंड पे आ जाएंगी, तो भाई आइए इस वीडियो पे इसके बारे में आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन देता हूँ। भाई आप लोग जानते हैं जितने लोग हमारे टेलीग्राम से जुड़े हुए हैं आज भी विनिंग कर रहे हैं और डेली उनकी विनिंग हो रही है, तो भाई आप लोग भी जाओ, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पे आप लोगों को जीएल टीम और भाई कई सारी चीजें ऐसी मिलती रहती हैं जिनके माध्यम से आपकी विनिंग काफी बेहतरीन और यूनिक तरीके से होने वाली है। तो भाई जैसा कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे जो रैंक वन लाए हैं जो भाई साहब हैं वो जम्मू कश्मीर से रहने वाले हैं, जिन्होंने 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट जीता है। सेकंड रैंक पे आने वाले लगभग 67.50 लाख, नियर बाई 70 लाख रुपए इन्होंने विन किए हैं, इन्होंने 6 टीम बनाई थी, पंजाब के रहने वाले। तीसरे जो भाई साहब है बिहार के रहने वाले, इन्होंने भी रैंक टू लाई है और इन्होंने भी लगभग नियर बाई 70 लाख रुपए विन कर लिए हैं। लेकिन तीनों में एक चीज कॉमन है, क्या? तीनों ने दोस्तों मल्टीपल टीम बनाई थी। भाई आप लोग जानते हो सेकंड रैंक वाले जो हैं उन्होंने दोस्तों 6 टीम बनाई थी, और जो यहाँ पे मुन्ना कुमार है जो कि बिहार के रहने वाले, उन्होंने लगभग 7 टीमें बनाई थी। और जितनी मल्टीपल टीमें बनाई थी उनकी टीम भी उतनी दोस्तों यूनिक थी, क्योंकि टीम यूनिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है और कहीं ना कहीं इसी लेवल से ड्रीम इलेवन में विनिंग होती है, प्रॉफिट होता है। और अगर आप लोग भी ड्रीम इलेवन से अर्निंग करना चाहते हैं, प्रॉफिट करना चाहते हैं, तो यार इन तरीकों को, इन स्ट्रेटजीज को आपको समझ के चलना पड़ेगा, जिसके माध्यम से आप लोग बेहतरीन और यूनिक तरीके से जानकारी पा पाए। तो दोस्तों आप लोग जानते हैं 70 करोड़ का जो कॉन्टेस्ट है भाई वो ड्रीम इलेवन रखता था, यानी वो कुछ डिवाइड कर देता है आप लोगों में। अब दोस्तों यहाँ पे जो विनिंग इनकी हुई है, तो सबसे पहले दोस्तों आइए टीम को मैं नजर डलवाता हूँ। जो रैंक वन लाए हैं भाई साहब जो 2 करोड़ जीते हैं, उन्होंने दोस्तों लिया था विकेट कीपर में मोहम्मद रिजवान को, बैट्समैन में थे रोहित शर्मा, बाबर आजम, श्रेयस अय्यर और इमामुल हक, ऑलराउंडर में थे रविंद्र जडेजा और हार्दिक पांड्या, और बॉलर में जसप्रीत बुमराह, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज और शाहीन अफरीदी थे। अब दोस्तों कैप्टन इन्होंने बना रखा था रोहित शर्मा को, वाइस कैप्टन बना रखा था कुलदीप यादव, क्योंकि भाई बैटिंग बॉलिंग का एक अच्छा एडवांटेज इन्होंने लेके चला था। अगर मैं दोस्तों यहीं पे बात करूं, अगर मैं यहीं पे बात करूं हमारे सेकंड मेंबर की, जिन्होंने दोस्तों यहाँ पे टीम बनाई थी, उनकी दोस्तों परफॉर्मेंस कैसी थी, उन्होंने दोस्तों यहाँ पे लिया हुआ था मोहम्मद रिजवान को विकेट कीपर में, रोहित शर्मा को लिया हुआ था, बाबर आजम को लिया हुआ था, श्रेयस अय्यर को लिया हुआ था और इमामुल हक को लिया हुआ था, यानी कि भाई प्लेयर सेम थे लेकिन कैप्टन वाइस कैप्टन चेंज थे। इन्होंने कैप्टन बनाया है रोहित शर्मा को और वाइस कैप्टन बना दिया है श्रेयस अय्यर को, ठीक है, जो कि ये दोस्तों सेकंड रैंक पे इस वजह से आ गए हैं, क्योंकि भाई आप लोग जानते हैं उस दिन कुलदीप यादव ने अच्छे पॉइंट्स के साथ साथ एक अच्छी परफॉर्मेंस भी दी थी, तो भाई पॉइंट्स के साथ साथ परफॉर्मेंस भी जरूरी होती है, और अगर आप लोग परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएंगे तो कितनी अच्छी आप लोग टीम बना लो आप लोग दोस्तों विनिंग नहीं कर पाओगे। तो ये जो जानकारियां हैं, जो स्ट्रेटजी हैं, इनको आपको समझना है, क्योंकि आपकी विनिंग इन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है और आप लोग एक बेहतरीन और अच्छे यूनिक मोमेंटम से टीम क्रिएशन कर पाएंगे। जो तीसरे थे दोस्तों, मैं उनके भी टीम आपको दिखाना चाहूंगा, उन्होंने दोस्तों उन्होंने भी एकदम सेम टीम बनाई थी, उन्होंने भी श्रेयस अय्यर को वाइस कैप्टन और रोहित शर्मा को कैप्टन रखा था, और कहीं ना कहीं इन्हीं स्ट्रेटजी से विनिंग हो गई है। तो भाई उस दिन आप लोग जानते हैं बॉलिंग पिच थी और बॉलिंग का भी एडवांटेज था, रैंक वन लाने वाले ने बैटिंग बॉलिंग दोनों को फ्रंट पे रखकर चला, जो रैंक टू आए हैं उन्होंने सिर्फ बैट्समैन को एडवांटेज दी। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब यह है कि अगर पिच कंडीशन को आप लोग देख के चलोगे तो आपकी विनिंग होने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इसके माध्यम से आपकी विनिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज होगी और एक अच्छा खासा पोर्टफोलियो आप लोग तैयार कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है जो जानकारी यहाँ पर दोस्तों आपको मैंने दी है समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आप